ये देखिए गाइस, हम आज बना रहे हैं KFC स्टाइल में फ्राइज। ये देखिए गाइस, और हम कितना अच्छा बच्चा नमाज पढ़ता है। अब ये जान क्या कर रहे हो। ये देखिए गाइस, ये मैंने मैक्रोनी के लिए सारी वेजिटेबल्स कट कर लिया है। बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, हम इसको बनाते हैं। क्या ढूंढ रहे हो चिक्स? ये अफतारी का सामान ढूंढ रहे हैं। इन्हें कैसे पता कि अफतारी अभी नहीं हुई है? अफतारी नहीं हुई। ये देखिए गाइस, यार हम क्या करता हुआ घूम रहा है, ये देखिए। चलिए गाइस, इनाया ने बताया कि छोटी उम्र में घर छोड़ के गया ना, तो बड़ा हो गया खुद ही वापस आ जाएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई, ये देखिए गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी दुआओं से हम सब भी ठीक है। ये देखिए गाइस, ये दोनों अभी अभी सो के उठे हैं दोपहर के 2 बजे, और ये देखिए इनकी हरकतें चेक कीजिए। आरम, व्हाट आर यू डूइंग? ये देखिए गाइस, बस अब मैं इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बना रही हूँ, इन्हें इनकी पेट पूजा करते हैं गाइस, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं जो भी होता है। ये देखिए, ये बमबारी हो रही है आरम की तरफ से, लेकिन पता नहीं किसके ऊपर कर रही है। ये देखिए गाइस, मुझे लग रहा है इन्हें दौरे पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, 2 बजे ज़्यादा सो गया ना गाइस, इसके दिमाग पे असर हो गया। ये देखिए गाइस, अब मैं इनको करवा रही हूँ नाश्ता वाश्ता, उसके बाद फिर इनको नहलाऊंगी, क्लीन कर दूंगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लुक। ये देखिए भूख से पागल। ये देखिए गाइस, और हम कितना अच्छा बच्चा नमाज पढ़ता है। अब ये जान नमाज फोल्ड कर रहा है, मैं नमाज पढ़ी थी तो हमने कहा मम्मा मैंने भी नमाज पढ़नी है। ये देखिए, पढ़ ली आपने नमाज? कौन सी नमाज पढ़ी है ये? ये वाली नमाज पढ़ी है? कौन से टाइम की नमाज पढ़ी है? जोहर की नमाज पढ़ी है आपने? अच्छा, इधर दो मम्मा को। ये देखिए गाइस, अभी भाग रहे अंदर, ये ना है ना पागल हो गई है, जैसे ही गर्मी का जोर ज़्यादा हुआ है इनाया का दिमाग चल गया। ये देखिए, ये दोनों बहन भाई आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन कैसी है, जहनी हालत इनकी कैसी हो रही है आजकल। ये देखिए, क्या कर रहे हो? ये क्या है? अरे आप नहा रहे हो? ये कौन सा तरीका है नहाने का? ये हमने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, हम का स्विमिंग पूल है ये? ये इसके सारे टॉयज हैं, और ये आरम है, और ये इसका स्विमिंग पूल है, और ये आरम की पार्टी हो रही है जी। गाड़ी को नहीं ला रहे हो? ये देखिए गाइस, हम आज बना रहे हैं KFC स्टाइल में फ्राइज, और ये आलू इधर छील रहे हैं हम ऐसे, और ये ना इधर छील के रखे हुए हैं कुछ, ये कट करके भी रखे हुए हैं। ये देखिए इस यानी कि शेप में ना, फिर उसके बाद अब जो जो भी करते हैं ना वो आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं। और इधर ना ये सामान मैंने रखा हुआ है, इधर ये सामान मैंने मैक्रोनी के लिए मंगवाया, मैक्रोनी भी बनानी है साथ साथ, फिर जो कुछ भी करते हैं आपको दिखाते रहते हैं। ये देखिए गाइस, आपने ना इस तरीके से इसको कट करना है, और इस शेप में होनी चाहिए ये आपकी ना, यानी कि इतना साइज़ होना चाहिए ना, इसे छोटा ना बड़ा, क्योंकि अगर आप ना बड़े छोटे साइज़ करेंगे ना इसके, तो फिर वो उसमें वो वाली बात नहीं आएगी जो KFC स्टाइल में आती है। ये देखिए, फिर इसको ऐसे पानी में डालना है, पानी में अगर आप साथ साथ नहीं डालेंगे तो ये ना काले हो जाएंगे आलू, क्योंकि ये आलू जो होते हैं ना फ़ौरन वो काले हो जाते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने मैक्रोनी के लिए सारी वेजिटेबल्स कट कर ली है, बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, हम इसको बनाते हैं। और ये देखिए, इधर जो इनाया है ना, ये आलू को ड्राई कर रही है, यानी कि फ्राइज को जो आलू है ना उसको पहले वॉश कर, यानी कि ना पानी में डालने के बाद जब हम निकालते हैं ना तो फिर उसको ड्राई करना पड़ता है, ताकि ना नज़रों से भी लंबी ना रहे। इधर आराम बैठा हुआ है, ये अभी बाइट से आया, कि हम वापस जा रहे हैं किचन की तरफ। ये देखिए गाइस, ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स बच गई थी, तो मैंने सोचा इनको ना चिक्स के लिए रेडी कर लेते हैं, जो भी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स या कुछ भी होते हैं ना, तो हम ना चिक्स के लिए रख देते हैं। तभी तो हमारे चिक्स इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि अब महाराजा ज़मीन पर तो कदम ही रखते हैं, सोफों पर चढ़ चढ़ के बैठते हैं। आज हमने चिक्स को बंद किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस, यार हम क्या करता हुआ घूम रहा है, कि देखिए आज हमने डोर ओपन किया ना, और हमको आज़ादी मिल गई है। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्या खोलूं? ये नहीं खोलते हम। हाँ गाइस, ये कह रहा है कि ना गाड़ी ओपन कर दो, ताकि मैं ना गाड़ी में कबाड़े कर सकूँ। जब भी गाड़ी ओपन होती है बहुत ज़्यादा कबाड़े करता है गाइस। चले अब हम अंदर चलते हैं, मैंने ना किचन में मैकरोनी भी रखी हुई है गाइस, वो यानी कि ना अभी वेजिटेबल डाल दिए, उसके वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट कर देंगे, फिर हम मैकरोनी डाल देंगे,
और ये देखिए नाया अभी तक ये ड्राई कर लिया आलू को, और हम मुझे आवाज़ दे रहा है जी आराम। वाह वाह क्या राइड कर रहे हो, गाड़ी राइड कर रहे हो गाइस, गाड़ी के ऊपर गाड़ी ही राइड कर रहे हो। चलो आप करो गाड़ी राइड, में थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। नो 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 टूट जाएगी। ये देखिए गाइस ये इनाया ना अभी से गली में से बचा के लाई है बच्चों से। इनाया ने आज एक बड़ी बहन का फर्ज अदा किया, गली में बच्चे मारे थे हमको तो इनाया बचा के लाई थी, अब हम खुद चला गया दोबारा पिटने के लिए। अब देखते हैं इनाया फिर से बचाने के लिए जाती है या नहीं जाती है। फिर से जा रही है इनाया अपने भाई को बचाने के लिए, और ना इधर जो है हमारे चिक्स खुद ब खुद खुल गए हैं। ये देखिए गाइस इनको बंद किया हुआ था फिर भी ये पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गए हैं, लेकिन मैं इनको दोबारा बंद करूँगी, ये बहुत ज़्यादा तंग करने लगे हैं। ये देखिए इनके काम, क्या ढूंढ रहे हो चिक्स? ये अफ्तारी का सामान ढूंढ रहे हैं, इन्हें कैसे पता कि अफ्तारी अभी नहीं हुई है? अफ्तारी नहीं हुई है अभी? हेलो महाराजा आओ इधर आओ, अभी अफ्तारी का टाइम नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने बुलाया तो आ भी गए। ये देखिए जब अफ्तारी का टाइम होगा ना फिर आपको मिल जाएगा खाने पीने का सामान। ये देखिए, ये देखिए गाइस इनके काम, बस करो इनाया छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो, जब इसका खुद पिटने का दिल कर रहा है तो इनाया छोड़ दो, आप छोड़ दो इनाया, इसका खुद दिल कर रहा है आज के मैंने पिटना है अच्छे तरीके से पिटना है। देखिए देखिए गाइस ये आलू जो है ना इनाया ने 2 घंटे बैठ के ड्राई किए हैं बेचारी ने इतनी मेहनत से, अभी हम इसका ना कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रहे हैं, और ना एक बच्चा जो है ना वो मुझे चिपक रहा है और कह रहा है मम्मा पैसे दे दो पैसे दे दो, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है इसको। ये देखिए गाइस आप इन्हें ना इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करना है, डालते जाना है मिक्स करते जाना, फिर थोड़ा सा डालना है फिर मिक्स करते जाना है, ठीक है ना गाइस। और ये देखिए गाइस ये पैसे मांग रहा है। और आपने ये जो फ्राइज है ना गाइस इसमें ना नमक अभी नहीं डालना है, जब ये मुकम्मल इसका प्रोसेस हो जाएगा ये फ्राई हो जाएगी तो फिर जो है ना आपने इसको ना ऊपर से आपने इसको नमक और चिकन पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं, अभी आप नहीं डाल सकते नमक वरना फिर ये जो फ्राइज है ना ये पानी छोड़ देंगी, ठीक है ना गाइस। ये देखिए ये शख्स गाइस मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है आज रोज़े से, इसका भी रोज़ा रखवाना पड़ेगा वो भी पूरे वाला। और ये मेरी बेटी है ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, आराम तो बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है गाइस। अरे नाराज होकर चला गया वो देखिए घर छोड़ के चला गया गाइस, मेरा बेटा छोटी सी उम्र में घर छोड़ के चला गया है। चलिए गाइस इनाया ने बताया कि छोटी उम्र में घर छोड़ के गया ना तो बड़ा हो गया खुद ही वापस आ जाएगा। जो ये फ्राइज है ना इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो ना ऊपर से आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं नमक चाट मसाला और चिकन पाउडर जो भी डालना हो। ये देखिए गाइस फ्राई होने के बाद, और ये देखिए इनाया डोर ओपन है डोर क्लोज करो वरना कैट आ जाएगी, तरीके से मिक्स हो गई है। और ये देखिए गाइस ये मुझसे मोए मोए भी हो गया, मैंने ना छलने में मिक्स कर लिया था सारे आलू, तो ना ये नीचे जो है ना सारा कॉर्नफ्लोर गिर गया चादर पर, अब मुझे ये भी क्लीन करनी पड़ेगी गाइस, सो सैड। ये देखिए गाइस एज यूजुअल मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट अफ्तारी के लिए, ये देखिए बस आज अफ्तार में बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया गाइस, आज हम लेट हो गए हैं क्योंकि आज बच्चे वगैरह सब लेट उठे थे और इनाया हम वगैरह गए मैं बाहर अफ्तारी का कुछ कुछ सामान लेने के लिए जो कि बाहर से हम मंगवाते हैं डेली, और कुछ घर पर बना लेते हैं बस, वो जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और ना साफ साफ अफ्तारी की भी तैयारी करते हैं गाइस। कॉर्नफ्लोर वगैरह मिक्स कर लिया था गाइस, अब हम ना ये कढ़ाई में डालने लगे हैं। ये देखिए देखिए गाइस अब ये कढ़ाई में डालना हमने स्टार्ट कर दिया, अब ये ना इसको 2-3 मिनट हमें फ्राई करना है, 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद ना हम इसको फ्रीज कर देंगे, फिर फ्रीज़र में से निकालने के बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे, तो ये फ्राइज हमारी रेडी हो जाएगी। और हाँ गाइस आपने इसमें नमक मिर्च बिल्कुल भी मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है अगर आप केएफसी फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि वो सब चीज़ आप ऊपर से बाद में ऐड कर सकते हैं फ्राई होने के बाद। ये देखिए गाइस इस पर सर्दियाँ आ गई हैं फिर से जी, ये देखिए गाइस यार हमको क्या हो गया, आराम के ऊपर ना दोबारा से सर्दी आ गई है, हमें इतनी गर्मी लग रही है गाइस और इस लड़के को ना सर्दी लग रही है। जब अभी से कहते हैं ये पैर लो कहता है नहीं गर्मी हो रही है, हाँ जी और अभी से सर्दी लग रही है ना आराम, क्या कर रहे हो अंदर जा रहे हो? ऐसे अंदर जाओगे ना सीधा दीवार में जाके लगोगे, दीवार के अंदर पहुंच जाओगे, अंदर तो बाद में पहुंचोगे आप।
ये देखिए गाइस ये फ्राई हो रही हैं, अभी 2-3 मिनट हमने इनको फ्राई करना है, उसके बाद निकाल कर फिर फ्रीज करना है, फिर दोबारा फ्राई करना है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए गाइस इन आए करिए मेरे टीथ कितने क्या है, तेज है गाइस, टीथ के निशान है ना ये, किसी दिन ना ये अगर आपने ऐसे दोबारा किया ना कि आपके टीथ है ना इसके डब्बे के अंदर से ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना, पहले ही सामने के नायक टूथ टीथ नहीं है और अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। अभी यार हमको भी देखते हैं गाइस कि वो क्या कर रहे हैं, ये देखिए गाइस यार हम का अभी तक पागलपन ख़त्म नहीं हुआ, देखिए क्या हो रहा है यार, हम ये आपको चलिए गाइस ये तो नो जो भी करते हैं करते रहें, मैं अब अफ्तारी के लिए सामान लगाती हूँ क्योंकि ना टाइम थोड़ा सा ही रह गया अफ्तारी में और ना रोज़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये लोग इतना तंग करते हैं ना रोज़े के साथ मुझे। ये देखिए गाइस ये मैंने फ्राइज ना थोड़ी सी जैसे ही फ्राई हुई ना मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया, अब इसको ना मैं 10 मिनट के बाद निकालूंगी गाइस, उसके बाद ना 10 मिनट बाद निकालने के बाद इसको दोबारा फ्राई करूंगी, फिर ऊपर से इसके जो नमक शमक डाल लूँगा वो डाल लेंगे। ओके ये देखिए गाइस फ्रीज कर दी थी ना मैंने चिप्स को फ्राइज को फ्रीजर में से निकालने के बाद ना हमने इसको दोबारा फ्राई किया था, ये देखिए इस कंडीशन में आ गई, ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई, ये देखिए गाइस कैमरे में भी आपको नज़र आ रही हूँ कि इसकी, ये देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बस ये थी आज की रेसिपी, अब इसके ऊपर ना आप नमक चिकन पाउडर चाट मसाला जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस ये जो फ्राइज़ हैं वो कढ़ाई से निकल कर आ गई हमारे दस्तरखान पर और ये देखिए हमने इस पर डाल दिया नमक चिकन पाउडर, आप लोग चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, हमें यही पसंद है। और ये देखिए गाइस ये देखिए नाया खा रही है जैली, वो आराम हमसे नाराज़ हो गया गाइस, वो वहाँ खड़ा हुआ है। और ये है हमारी आज की इफ्तारी, बस गाइस अजान भी हो गई हम कर रहे हैं इफ्तार, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस ये इफ्तार भी हो गई थी और ना इफ्तार के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं सारा घर का काम करके अभी फ्री हो के आई हूँ मैं, और ये देखिए इन लोगों के काम अभी तक इनके ड्रामे ख़त्म नहीं हुए हैं। बस गाइस इसी साथ करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और जो आपका दिल करे वो कीजिए, से बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। ये देखिए गाइस ये पागल हो गए हैं।